नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का कहर जारी है। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने एक किसान को खेत में सोते समय ही हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्नाव में भी खेत की रखवाली करते किसान को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके साथ ही बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो कि यकीनन आपकी रूह कपा देगी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जिसका खुलासा होने पर हर तरफ सनसनी फैल गई। साथ ही होंगी अपराध जगत से जुड़ी कई और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर क्राइम कंट्रोल की सुर्खियों पर। प्रयागराज में बेखौफ बदमाशों का कहर, जिला पंचायत सदस्य पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल बाल बची जान, सीसीटीवी में कैद वारदात। मिर्जापुर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर की बेटी का शव बरामद, 30 दिन पुराना बताया जा रहा शव, जांच में जुटी पुलिस। और मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार, दो फरार, पुलिस बड़ी तादाद में हथियार बरामद करने के औजार बरामद कर चुकी। अलीगढ़ में रविवार की रात बीजेपी युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा की हत्या से हड़कंप मच गया। उनकी हत्या उनके ही घर में की गई। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनके ही भाई पर है। बताया जा रहा है कि उनका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। गुनाह किस शक्ल में कहां दस्तक दे जाए किसी को उसकी खबर नहीं। सौरभ शर्मा के साथ भी यही हुआ। सौरभ शर्मा की हत्या से हर तरफ अफरा तफरी मच गई है। पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। एसएसपी आकाश कुलहरी हत्या की खबर मिलते ही खुद मौके पर पहुंचे। अलीगंज के सासनी इलाके के जयगंज में डाक खाने के पास सौरभ अपने परिवार के साथ रहते थे और उनका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि रविवार की रात सौरभ के घर उनका भाई अभिषेक आया और दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच अभिषेक ने सौरभ को किसी भारी चीज़ से उसके सिर पर मार दिया और वो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सौरभ शर्मा बीजेपी के युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष थे और 30 साल के सौरभ शर्मा बीजेपी नेता मुकुल उपाध्याय के साढ़ू भी हैं। बीजेपी नेता की हत्या की खबर जैसे जैसे फैली, पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। जिले के आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस तत्काल एक्शन में आई। सौरभ शर्मा बीजेपी के पदाधिकारी होने के साथ ही शहर के प्रमुख हार्डवेयर कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उनकी हत्या की खबर जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। रात के अंधेरे में हुए इस हत्याकांड से कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर सौरभ और उनके भाई के बीच विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों भाइयों के बीच काफी तनातनी रहती थी। रविवार की रात को आरोपी अभिषेक से प्रॉपर्टी के मुद्दे पर बात करने के लिए उसके घर गया था। दोनों भाइयों के बीच इस दौरान हालात यहां तक पहुंच गए कि मारपीट तक नौबत पहुंच गई और अभिषेक ने किसी वजनदार चीज से सौरभ के सिर पर वार कर दिया। ये देखिए, सासनी गेट में जयगंज मोहल्ले के अंतर्गत जो है दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। एक का नाम सौरभ शर्मा था जो मृतक है और एक का नाम चंचल उर्फ अभिषेक शर्मा है। इनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। उसी के दौरान अभिषेक शर्मा उर्फ चंचल शर्मा सौरभ शर्मा के घर के पास में आया था। वहीं पर इनके बीच में कहासुनी हुई है। तो जो स्टैंडिंग फैन होता है, उस फैन के जो नीचे जो स्टैंड होता है, उस स्टैंड से उसने इसके सर पर मारा। तो अभी उसकी डेथ हो गई है सौरभ शर्मा की।
सौरभ शर्मा बीजेपी युवा मोर्चा के सक्रिय पदाधिकारी थे, लिहाजा उनकी हत्या की खबर से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए मौके पर मोर्चा संभाला और FIR दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए जांच टीम गठित कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रदीप सारस्वत, न्यूज स्टेट, अलीगढ़। रोजाना की तरह रविवार की रात भी अपने फार्म हाउस पर सोने गया था, लेकिन उसे शायद ही ये खबर रही हो कि ये उसकी आखिरी रात होगी। उसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है जिसे जानकर हर कोई इससे हट जाएगा। ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है कि उसे जिंदा जला दिया गया था या फिर हत्या करने के बाद उसे जलाया गया है, लेकिन जब सुबह लोगों ने उसे देखा तो उसका शव जला हुआ था। वारदात प्रतापगढ़ की है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बाइक इस कदर जल चुकी है कि अब सिर्फ उसके ढांचे से ही पहचान की जा सकती है। बुझ चुकी आग से निकलता धुआं बदमाशों के खतरनाक मंसूबों को बताता है। इस राख में एक जिंदगी भी खाक हुई है। बस ये नहीं पता चल पा रहा है कि जिंदा जलाया गया या हत्या करने के बाद आग के हवाले किया गया। हत्या करके उनको अंदर जो है मढ़ाई में लटका करके तब मढ़ाई में आग लगाई गई। ऐसा किसी से कोई रंजिश चल रही थी? अभी तक किसी से कोई रंजिश पता नहीं चल पा रही, लेकिन एक पता तो चलेगा। एक या दो आदमी काम नहीं, कम से कम तीन या चार आदमी होंगे। और हम भी किसी से इसके पहले कोई कुछ नहीं, कोई रंजिश नहीं, अभी तो कोई कुछ पता नहीं लग रहा। हम लोग भी पूछ रहे हैं, कोई मुकदमा वगैरह कोई ऐसी कोई बात नहीं। धरी जमीन है, निजी पर्सनल जमीन है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कैसे पता लगा कि हत्या करके जलाई गई हिला? ये तख्ता जो है बाहर है, उस तख्ते के नीचे ब्लड जो है गिरा है, उसको जो है पानी से लीपा गया है। ब्लड से जो है लगाया जा रहा है अनुमान कि यहाँ तख्ते को छींटा भी गया है ब्लड का, उससे पता लगाया जा सकता है कि हाँ घटना कैसे। दहलाने वाली इस वारदात के बारे में आपको कुछ बताएं, उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जो अब राख नजर आ रही है, ये रविवार की रात धधक कर चली और सब कुछ जलाकर स्वाहा कर दिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि साग में सोमवार की सुबह एक युवक जलता हुआ मिला। जी हाँ, ये वारदात प्रतापगढ़ के पट्टी इलाके के बेला रामपुर गाँव की है। ब्रजेश नाम का युवक सरोज के साथ पार्टनरशिप में सुअर पालन का बिजनेस करता था। रात में अपने खेत पर सुअरों की रखवाली करने के लिए गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर दी गई, उसके छप्पर को जला दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि सुबह लोगों ने युवक को जलता हुआ देखा। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि युवक को जिंदा जलाया गया या हत्या करने के बाद। उसकी हत्या हो गई है। सुबह जब लोग घूमने 5 बजे आए हैं, तब जो है कुछ लोग पता पाए कि हाँ आग लगी। कैसे जलाया गया है? अभी कैसे जला गया इसको कोई जानता नहीं है। मिट्टी का तेल डालकर पेट्रोल डाल, इसको कौन बता सकता है? इसको तो वही बता सकते हैं जो लोग घटना का अंजाम दिए हैं, लेकिन है यही बात। इसमें तो बाहर लेटा था उसको, उसकी हत्या करके उसको अंदर लेटाया गया, उसके बाद आगे पंपिंग सेट में लेटाया गया। नहीं, पंपिंग सेट के बाहर जो है उफारा लगाया गया, तभी नया छप्पर बनाया गया था। उसी छप्पर में शादी हुई है? शादी हुई है। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है 4-5 साल का। हैरान करने वाली बात तो ये है कि युवक की हत्या और उसे जला दिए जाने की जानकारी लोगों को सुबह हुई। ना तो किसी ने रात में कोई चीख पुकार सुनी, ना ही जलते हुए छप्पर को देखा, जबकि युवक का फार्म हाउस घर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। ये वारदात रविवार की रात 12 बजे बाद की बताई जा रही है।
रामपुर में विश्व सूत्रों से पता चला है कि रात को एक क्रिकेट मैच देख के लगभग 12-1 बजे के आए हैं और अपने यहाँ पर एक पाही है गांव से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर सुअर बाड़ा भी रखे हैं, सुअर पालन का भी काम करते हैं और धान की बेहन डाले हैं जिसकी रखवाली के लिए यहाँ रात में आए हैं। और सुबह पता चला है कि इनके कोई हत्या करके जी। अभी जांच का विषय है, हत्या करके वो मड़ई जिसमें सोए हुए थे जी। उसको छप्पर था उसको जला भी दिए हैं जी। ये पुलिस को सूचना 7:30-7 बजे पता चली है, मौके पर पुलिस फोर्स आया है और इसको जांच करके इसको विधिक कार्रवाई होगी और जैसी भी बातें होंगी अगर उसको मृत कारित है तो उसकी जाँच करा के और संबंधित खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस जगह पर युवक लेटा हुआ था उसके आसपास खून भी बिखरा हुआ था जो इस बात की तस्दीक करता है कि युवक को मौत के घाट उतारा गया है। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सूचना देने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने वारदात से जुड़े सुराग तलाशने की कोशिश की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कि उसकी हत्या की है, उसके बाद उसको जिंदा जला दिया गया हत्या के बाद। हाँ, विवेचना में सब आएगी, जांच में देखा जाएगा। अभी प्राथमिक स्तर पे आप लोगों को जो अभी तहरीर दे रहे हैं उस पर फिर भी उसके हम लोग जो है उससे जो क्लू थे उसको कलेक्ट कर लिया गया है, जैसे जहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था उसको कलेक्ट कर लिए हैं। अब पीएम होगा, पीएम में जो रिपोर्ट में जो जांच में आएगा कि जिस तरह से तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी और नियमानुसार और पूरी तरह से जो मृतक है उनको हम न्याय दिलाएंगे। ये हत्या एक पहेली बन गई है। इस हत्या के पीछे का मकसद भी साफ नहीं है, ना ही हत्या को अंजाम देने वाले लोगों का कोई सुराग। पुलिस जांच का हवाला दे रही है लेकिन उसके पास भी इस हत्या से जुड़ा कोई सुराग नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि हत्या कैसे की गई। पुलिस हत्या के पीछे जुड़े मकसद और आरोपी की तलाश में जुटी है लेकिन हत्या जितनी निर्मम तरीके से की गई है इससे साफ होता है कि हत्या करने वाले जान पहचान के ही होंगे और किसी न किसी तरीके की रंजिश के चलते हत्या की गई है, वरना मौत के घाट उतारने के बाद इस तरह से कोई किसी को आग के हवाले तो कतई नहीं करेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए सुनील कुमार सिंह, न्यूज स्टेट, प्रतापगढ़। किसान हमेशा की तरह अपने खेत की रखवाली कर रहा था लेकिन सुबह उसका शव खून से लथपथ हालत में मिला। बताया जा रहा है कि उसके मुंह पर ईंट से हमला करके उसे मौत के घाट उतारा गया है। उसे मौत के घाट किसने उतारा और उसकी इतनी निर्मम हत्या किसने और क्यों की, इस रिपोर्ट में देखिए। खेत में डॉग स्क्वाड के साथ चहलकदमी करती पुलिस उस वारदात की तरफ इशारा कर रही है जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जिस जगह पर पुलिस तफ्तीश करती हुई आपको नजर आ रही है वहीं पर उसी खेत में एक किसान के निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। किसान की हत्या से हर तरफ सनसनी फैल गई है। ये वारदात उन्नाव के अचलगंज इलाके के हड़हा गांव की है। बताया जा रहा है कि रोजाना की तरह रविवार की रात भी किसान सुशील खेत की रखवाली करने गए थे लेकिन सुबह जब सूरज की रोशनी हुई तो हर तरफ हाहाकार मच गया। गांव वालों ने खून से लथपथ किसान का शव खेत में देखा। पुलिस ने मौके वारदात से हत्या से जुड़े कई सुराग भी जुटाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस हत्या वाले स्पॉट की कैसे तफ्तीश करने में जुटी है। किसान के मुंह पर ईंट मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही उसके गुप्तांग पर भी चोट के निशान मिले हैं जिससे इस बात को काफी बल मिलता है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई है और प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद पुलिस को भी यही आशंका है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई है। ये हड़हा गांव पड़ता है थाना असलगंज क्षेत्र में। एक व्यक्ति सुशील कुमार का नाम का था, शाम को अपने ट्यूबवेल पर सोने गया था और रात्र में ही किसी व्यक्ति द्वारा उसकी जो है सिर पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी और उसके कपड़े नीचे से कुछ हटाए भी गए थे। उसके बड़े भाई द्वारा
एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है और सभी अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण कर लिया है। डाक स्क्वाड भी मौके पर गया था। हत्या की वजह की जो आशंका जताई जा रही है पुलिस की तफ्तीश में साफ हो जाएगा, लेकिन मृतक के भाई के नामजद FIR कराने से एक बात तो साफ हो गई है कि हत्या के पीछे कौन लोग हैं और हत्या क्यों की गई, इस बात की जानकारी मृतक के परिजनों को है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है और हत्या से मृतक के घर वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उन्नाव। इश्क का भूत जब सिर पर सवार हो जाए तो सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है और कई मर्तबा यही इश्क अपराध के रास्ते खोल देता है। रास्ता इटावा से है जहां एक महिला पर आशिकी का भूत कुछ यूं सवार हुआ कि उसने अपने ही पति की बेरहमी के साथ हत्या कर दी। इटावा से जुड़ी ये दास्तां यकीनन आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। एक महिला ने अपने पति के साथ ऐसा सलूक किया जो अमानवीय होने के साथ ही बेहद विभत्स है। आपको हैवानियत शब्द भी छोटा लगने लगेगा इस दास्तां को जानने के बाद। घर के अंदर पड़ताल में जुटे प्रशासनिक अधिकारी, मौके पर मौजूद लोगों का जमावड़ा और हर तरफ अफरा तफरी। तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहां किसी बड़ी वारदात ने दस्तक दी है। इस घर से कुछ दिन पहले लापता हुए शख्स से जुड़ा जो खुलासा हुआ वो मानवता, संवेदना और इंसानियत जैसे शब्दों के लिए कलंक साबित हुआ है। 3-4 दिन पहले हमारी पूछताछ में ये क्लियर हो रहा था कि इसका दोस्त और पत्नी इसमें शामिल है, लेकिन बॉडी का कोई अता पता नहीं चल रहा था। चारों तरफ दिखलवा लिया गया था, जो जो संभावित जगह थे उनको चेक कराया गया था, लेकिन इसमें एक जो क्ल्यू मिला इसके तीसरे साथी का होने का, जो हम लोग सवलांस इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो काम कर रहे थे, जब ये तीसरा साथी जो राम प्रकाश यादव है जब पकड़ा गया, जब आमना सामना हुआ, तब ये चीज़ कबूल हुई कि मार के यहाँ पर उसको दफना दिया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ी इस महिला पर अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने का आरोप है। आरोप है कि महिला का शादी के बाद भी एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो अपने पति को ही मोहब्बत के रास्ते में रोड़ा समझती थी। अपने महबूब को पाने के लिए आरोपी महिला ने बेहद खौफनाक साजिश रची। अपने प्रेमी के साथ मिलकर आरोपी महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इटावा के चौबिया इलाके के माखनपुर गांव की ये वारदात रिश्तों की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े करती है। जानकारी के मुताबिक सुनील पेशे से टीचर था और उसकी पत्नी भी शिक्षा मित्र थी। मृतक के दोस्त सुखबीर से उसकी पत्नी को मोहब्बत हो गई और दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खा ली। अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची और वीरान घर में बुलाकर उसके सिर में ताबड़ तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव के कई टुकड़े कर दिए। इश्क में अंधी महिला के ऊपर हैवानियत का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसे घर में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जले हुए शव को उस महिला ने घर में ही दफन कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, इस दरिंदगी को अंजाम आरोपी महिला ने अपने ही पति के साथ दिया था। और इस वारदात के खुलासे के बाद पुलिस महकमा सकते में था और मौके पर मौजूद लोगों के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर कैसे कोई महिला अपने ही पति के साथ इतनी दरिंदगी को अंजाम दे सकती है। उसको करीब 4 फीट उसके घर में ही 4 फीट गड्ढे से निकलवा के और सिर्फ उसके बाद जो शरीर के अवशेष जो है तब वो प्राप्त हुए हैं और अभी भी फॉरेंसिक की टीम की मदद ली गई है, लेकिन आगे भी इसमें DNA सैंपलिंग करा के इसको और पुख्ता साक्ष्य इसमें संकलन और भी कराए जा रहे हैं। फिलहाल जो इटावा पुलिस को और क्राइम ब्रांच जो हमारी टीम है इसको एक अच्छी सफलता हाथ मिली है। एक सनसनीखेज जो ये घटना है इसको वर्कआउट करा लिया गया है और हमारी टीम को जो है इसमें 15,000 रुपये इनाम के लिए भी मैंने बताया।
फिलहाल इस वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन रिश्तों को कलंकित करती है दास्तां आज भी लोगों के गले नहीं उतर रही। लोग हैरत में हैं ये सोचकर कि किस तरह उस शख्स का अपना ही खून का प्यासा बन गया। क्राइम कंट्रोल के लिए इटावा से अन्नू चौरसिया के साथ टीम न्यूज स्टेट। और क्राइम कंट्रोल में अब बात बरेली की, जहां ग्राम प्रधान के कत्ल से हर तरफ अफरा तफरी और सनसनी का माहौल है। प्रधान का गांव से कुछ ही दूरी पर धड़ बरामद हुआ है, लेकिन वारदात की असल वजह क्या है और आखिर किसने प्रधान को मौत के घाट उतारा, यह अब तक जांच के दायरे में है। मौके पर मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोग, पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा और हर तरफ अफरा तफरी। तस्वीरों से साफ जाहिर है कि यहां किसी बेहद संगीन वारदात ने दस्तक दी है। इस मंजर से जुड़ा जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद हैरान कर देने वाला है। वारदात भोजीपुरा थाना इलाके के रामपुरा माफी गांव की है, जहां ग्राम प्रधान पिछले कुछ दिनों से लापता था। लापता प्रधान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने थाने में दर्ज कराई थी और जांच अधिकारी प्रधान की तलाश को लेकर तफ्तीश में जुटे हुए थे। लंबे वक्त तक चली तफ्तीश के दौरान पुलिस ने जो खुलासा किया उससे पुलिस महकमा समेत पूरा इलाका सन्न रह गया। जो प्रधान देर रात से लापता था उसी प्रधान का धड़ गाँव से ही कुछ दूरी पर बरामद हुआ। रात 1 बजे से गए थे, 1 बजे घर पर आए थे। तुरंत चले गए कि गाड़ी निकलवाऊंगा, गाड़ी निकलवाने गए। उसके बाद में हमने ना फ़ोन किया ना उन्होंने हमारे पास किया। सुबह 6 बजे फ़ोन किया, फ़ोन लगाई नहीं मैंने किया। उसके बाद में हमने कंप्लेन करी, कोई वहां पर सुनवाई नहीं हुई और ऊपर से इनके लिए प्रशासन और इल्ज़ाम लगा रहा था ये ऐसे वैसे। हमने कहा इनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं, आप जाओ पता कर लो किसी से। उसके बाद में हम ये कहते रहे, उन्होंने फिर एक पकड़ा भी। पकड़ने के बाद हमने कहा ऐसे कर रहा पूछो, पर उन्होंने कोई उससे कारगरी नहीं की। लापता प्रधान का कटा सिर बरामद होने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। शुरुआती पड़ताल में ये भी सामने आया कि कुछ दिन पहले प्रधान किसी जरूरी काम का हवाला देकर घर से बाहर गया था और जब देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने पुलिस को इत्तला दी। अनहोनी की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी और लंबे वक्त तक चली तफ्तीश के बाद उसके शव की बरामदगी हुई। प्रधान के शव की बरामदगी से जुड़े कई सवाल पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कि आखिर कौन है वो हैवान शख्स जिसने प्रधान के साथ इतनी दरिंदगी को अंजाम दिया। जिस रात को प्रधान अपने घर से निकले थे, क्या उस रात को आरोपी उनके साथ थे और क्या वजह बनी कि प्रधान के साथ इतनी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। ये सारे सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस पैसे खाई, इन लोगों ने पैसे खाए। जिसको हम कह रहे हैं पकड़ो उसको नहीं पकड़ रहे हैं, और जिसको हम जिसको हम सुबह नहीं है उनको ये पकड़ना चाह रहे हैं। किसको आप पकड़ने वाली बात करो? जो पकड़े हुए थे हम उनको हम नहीं चाह रहे हैं, छूटे। जो शहजाद है वहाँ पे उसको हम नहीं चाह रहे थे, छूटे। तो क्या लगता है आपके ये उनका काम है? नहीं, क्यों हत्या क्यों की गई ऐसा कुछ मानना आपको? ऐसा था ना, कहीं कारोबार में कहीं भी काम करते थे, ये टांग अड़ाता था। मतलब कारोबार को लेकर ऐसा? कारोबार को लेकर जो कई बार झगड़ा कर चुका है, कह चुका कि मेरे साथ वहाँ से करो। किसने कहा, क्या नाम उनका? शहजाद आजाद। शहजाद आजाद कहाँ के रहने वाले हैं? जहानपुर के। और सर एक बार चाहे आप पूछो, पूरे गांव में ये 4 लोग मेरे ऊपर हावी हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी के मुताबिक प्रधान का पैसों को लेकर कुछ लोगों से विवाद चल रहा था और वो लोग कई बार प्रधान को धमकी भी दे चुके थे। कई बार उन लोगों के फोन पर धमकियां भी आईं, जिसको लेकर प्रधान ने पुलिस से शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं मृतक की पत्नी ने पुलिस की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि जिस रात उनके पति लापता हुए थे उसी रात को उसने पुलिस को मामले की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस FIR दर्ज करने की बजाय मामले में टाल मटोल करती रही। महिला का ये भी आरोप है कि अगर वक्त रहते पुलिस पड़ताल में जुटती तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता था।
फिलहाल मौका वारदात से मिले साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस की पड़ताल जारी है। वारदात की तफ्तीश के आधार पर पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि जिस वक्त प्रधान की पत्नी ने मामले की शिकायत दर्ज की, उसी रात पड़ताल शुरू क्यों नहीं की गई? क्या वाकई पुलिस ने पड़ताल को लेकर कोताही बरती? जब तक वारदात का पूरी तरह खुलासा नहीं होता, इन सवालों का खड़े होना भी लाजमी है। क्राइम कंट्रोल के लिए बरेली से मनोज कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज के झूसी इलाके में बेखौफ बदमाशों ने जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले में जिला पंचायत सदस्य राजकुमार बाल बाल बच गए, लेकिन उनका प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चलती कार पर बदमाश खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी में बदमाशों के चेहरे साफ दिख रहे हैं। पूरे मामले में पीड़ित ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है। घटना के बाद प्रशासन ने झूसी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने अपनी बेटी का शव 1 महीने तक अपने घर में छिपा कर रखा। उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन शव से बदबू आने पर मोहल्ले वालों ने शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को घर से बाहर निकलवाया। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पहले भी जब पुलिस घर पर आई थी तो उसने वापस लौटा दिया था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपनी बेटी को बुरी तरह से पीटता था। आज पता चला उनके जब घर वाले आए कहीं बाहर से, तो पता चला कि उनकी लड़की जो है वो 1 महीने पहले से ही मृत अवस्था में पड़ी है, और वो ये मान के कि मृत नहीं है, वहीं स्वयं भी मौजूद थे। और एक बार कभी बदबू आई थी तो पुलिस गई थी इनके यहाँ, लेकिन इन्होंने बताया कि आप किस अधिकार से यहाँ आए हैं, तो इन्होंने विरोध भी किया। तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और वो नेचुरल डेथ है। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां भारी मात्रा में अधबन्ने तमंचे और पिस्तौल बरामद किए गए हैं। हस्तनापुर के जंगलों में इस अवैध फैक्ट्री को पिता और पुत्र मिलकर चला रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 लोग भागने में कामयाब रहे हैं। पुलिस ने बताया है कि इस अवैध फैक्ट्री के हथियार पूरे यूपी में सप्लाई किए जाते थे। क्राइम कंट्रोल में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।